बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बरसों बरस करीबी रहे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का दर छलका है। रामनिवास रावत ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि मैंने 35 बरस सिंधिया परिवार को दिए हैं, जबकि बदले में सिर्फ बेवफाई मिले हैं। सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल ना होने की सजा के तौर पर उनके पेट्रोल पंप को सील करा दिया गया, उनके कॉलेज को भी बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। रामनिवास रावत ने IBC 24 से खास बातचीत में यह दावा किया कि उपचुनाव में महाराज और शिवराज की जोड़ी फेल साबित होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस 27 सीटें जीतने के दावे कर रही है, खासकर ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस का बड़ा फोकस है। मेरे साथ रामनिवास रावत है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर, क्या तैयारी है ग्वालियर चंबल की? जो 16 सीटें हैं उसका क्या आपकी रिपोर्ट कहती है सर्वे? 16 में से अधिकांशतः 16 सीट कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी कुछ भी कहती रहे, बीजेपी का तो एक ही सिद्धांत है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जब तक बोलो तब तक लोग मान नहीं लें। ग्वालियर चंबल के जो कांग्रेस के नेता हैं, आप उनके बड़े करीबी थे सिंधिया जी के, अब वो आप भाजपा में शामिल नहीं हुए, तो आप लोग को लगातार अटैक किया जा रहा है, ऐसे बार बार आरोप लगाते रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई हो रही है, और भी ऐसे कई सारे कांग्रेस के नेता हैं। अब ये उनका सोच है, मैं समझता हूँ कि ये हल्की राजनीति है। इस तरह का सोच राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, अपना अपना ओहदा बड़ा करना चाहिए, लोगों का दिल जीतना चाहिए। लोगों पर अटैक करके, लोगों को परेशान करके झुकाया नहीं जा सकता, लोगों का नुकसान तो किया जा सकता है। मेरा पेट्रोल पंप बंद कराया, मेरा कॉलेज बंद कराने का काम चल रहा है, तो ये सब कर रहे हैं। जिनके लिए मैंने 35 साल लगातार सेवा की, उनके परिवार के लिए बढ़ाया, अगर वो ही ऐसा कर रहे हैं तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे दुख होता है। यही सब कारण है कि अपराजय सिंधिया परिवार को इस बार पराजय का मुंह देखना। जाहिर है ग्वालियर चंबल की 16 सीटें कांग्रेस के टारगेट पर हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जो अपराजित सिंधिया परिवार ग्वालियर चंबल में रहा है, इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 27 सीटों पर, उस पर इस बार ग्वालियर चंबल में ज्योतिराय सिंधिया और उनके परिवार को पराजय का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अजय मालविया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो रामनिवास रावत को आप सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं उनका दर्द छलका है। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि 15 साल उन्होंने सिंधिया परिवार को दिए, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होने की सजा उन्हें दी जा रही है। चलिए, और दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से रामनिवास रावत, साफ तौर पर उनका दर्द छलका है, क्या कुछ कहेंगे उनके इस बयान पर आप? दीपक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो जानना चाहेंगे आपसे, रामनिवास रावत जिनका दर्द छलका है, हमारे संवाददाता नवीन ने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 35 साल उन्होंने सिंधिया परिवार को दिए हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल ना होने की सजा दी जा रही उन्हें। देखिए, ऐसा है कि किसी के कोई व्यावसायिक कारोबार है और उसमें कोई अनियमितता है, और उनपे अगर कोई एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो इसमें राजनीति को जोड़ना बिल्कुल गलत है। रामनिवास रावत जी को अपने काम धंधों के अवैधानिकता के बारे में सोचना चाहिए। रही बात किसी परिवार की सेवा या किसी पार्टी की, तो रामनिवास रावत जी जानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया होगा राजनीति में, अपने स्वार्थों के लिए किया होगा। अगर किसी की समर्पण के लिए किया होता, समर्पण के अलग क्या होती है, उसके स्वार्थ के लिए क्या होता है, तो उसके स्वार्थ के लिए जब तक अलायंस रहता है, जब तक हमारे आपसे स्वार्थ मिलना है, तो वो उसकी क्या होगा। तो जो कुछ उन्होंने किया है अपने राजनीतिक जीवन में, जब भी किया है जनता को भी मालूम है, और अपने कारोबारों को अपनी राजनीति से ना जोड़े अगर कार्रवाई अवैधानिक स्तर की वजह से हो रही है तो। जी दीपक जी, उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि जो उपचुनाव आने वाले समय में होने हैं, उस पर हार का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक आरोप लगाना और बयानबाजी करना ये किसी भी राजनीतिक दल का भी अधिकार है, नेता का भी अधिकार है। राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं, दावे कर सकते हैं, लेकिन अपने अवैध कारोबारों को अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए इस्तेमाल ना करें। और अगर राजनीति में आपने की है, अपने स्वार्थों के लिए की है, तो ये नहीं कहें कि हमारी फलाने से लॉयल्टी थी और हमने सेवा किया और फलाना किया और ठिकाना किया है। जो कुछ उन्होंने किया वो अपने व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या, जब तक आपके स्वार्थ मैच कर रहे तब तक आप साथ रहे, फिर आपने छोड़ दिया, तो फिर आप अपने स्वार्थों को देखो कि आपने स्वार्थों का दोहन किया था बस, और कुछ नहीं किया।
जी कुल मिलाकर दीपक जी, किस तरह से देखते हैं आप उनके इस बयान को, उपचुनाव होने और उपचुनाव से पहले वो यदि इस तरह के बयान देते हैं तो आप किस तरह के मायने निकालते हैं उनके इस बयान के? दोनों अलग अलग बात है। तो अपने वो कारोबार में अगर उनकी कंपनी ने कुछ किया है तो उसकी अवैधानिकता को वो राजनीतिक ज्ञान में फैलाने की कोशिश ना करें। दूसरे, उन्होंने अपनी राजनीति में पिछले 30-40 साल में जो कुछ भी किया होगा वो अपने खुद के स्वार्थों के लिए किया है। तो सिंधिया परिवार या ज्योतिराज सिंधिया जी के प्रति प्रतिबद्धता ना बताया। अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमेशा मौजूद होती है। अगर कोई श्रद्धा होती है तो होती है। अगर कोई आपकी समझ अपने स्वार्थों के लिए होती है तो परिस्थितियां कायम तक होने तक रहती है। तो आज जो परिस्थितियां वो दिख रही हैं इसलिए उसको अलग अलग बातें ना बोले। दोनों ही बातें गलत कही हैं रामनिवास रावत जी ने। चलिए दीपक जी, आप हमारे साथ बने हैं। राजेश जी भी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। किस तरह से देखते हैं आप रामनिवास रावत, जिनका कहीं ना कहीं दर छलका और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि 35 साल उन्होंने सिंधिया परिवार को दिए, सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसकी सजा उन्हें दी जा रही है। चले फिलहाल शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो रामनिवास रावत का यह दर्द छलका है और जिस तरह से दीपक विजयवर्गीय का यह कहना है कि